एक इंसान की बोरियत दूर करने के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, मैंने नहीं सोचा था। तो बात कुछ ऐसी थी, मैं अपने घर पर अपनी बाइक को स्प्रे से ऑयल दे रहा था, इतने में मुझे अपने एक अजीज दोस्त का कॉल आया जिसे मेरी जरूरत थी। तो एक अच्छे और सच्चे दोस्त का फर्ज निभाते हुए मैं बिना सोचे समझे बस पकड़कर सीधा भोपाल आ जाता हूँ। अब मैं इसके लिए इतना दूर आया था, इसलिए ये तो इतना आ ही सकता है। यह मेरा आईटीएन दोस्त जिसकी ट्रेन 2 दिन बाद की है, तो अपनी तरफ से पार्टी के नाम पर इसे पराठे खिलाकर मैं इसे अपने घर की तरफ ले चलता हूँ। स्टेशन पर पहुंचकर मुझे अपने सब्सक्राइबर्स मिले जो कि सेम ट्रेन से जयपुर जा रहे थे। तो फिर जनरल में धक्के खाने से अच्छा मैं इनके साथ स्लीपर में बैठ गया और इनने मुझे अपनी सीट पर जगह भी दे दी। बोले तो यूट्यूबर होने के भी अपने कुछ अलग फायदे हैं। फिर विदिशा उतर कर मैं शिवेंद्र को अपने घर ले आया। अब शिवेंद्र जी का परिचय ये है, ये गणित के प्रकांड पंडित और असीम प्रतिभा के धनी है जो कि मेरे भोले पिताश्री को गणित का ज्ञान दे रहे हैं। उसकी वैल्यू आयोटा ये कहाँ फंस गया भाई। हाँ, आज तक मैंने बैठकर अपनी बहन को इतना नहीं पढ़ाया। इस बंदे ने 15 मिनट में उसकी ऑलमोस्ट पीएचडी करा ही दी थी। तो अपने घर वालों को ज्ञान के ओवरडोज से बचाने के लिए मैं खाना लेकर रणभूमि में कूद पड़ा और फिर शेर सॉरी।